की ओर से जो 12 मई से दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रही है, उसको लेकर बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि सभी 15 ट्रेन दिल्ली से 15 अलग अलग शहरों के लिए रवाना होंगी और इसकी बुकिंग कल शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। यात्रा से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और बिना लक्षण वाले मुसाफिरों को ही आने जाने की इजाजत दी जाएगी। मिलन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ उनके पास हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राहत की खबर ये लेकर आई है। हालांकि शुरुआत राजधानी दिल्ली से 15 जगहों के लिए, रेलवे ने कहा है कि हमारी योजना 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की है। शुरुआत में 15 ट्रेनें अप एंड डाउन मिलाकर 30 आप कह सकते हैं इसे चलाने की है। ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। देखिए कहां कहां से ये ट्रेनें जाएंगी। दिल्ली से हावड़ा के लिए ये ट्रेन चलेगी। जो जानकारी रेल मंत्रालय की ओर से दी गई है, पीयूष गोयल रेल मंत्री की ओर से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा और स्क्रीनिंग से गुजरते हुए ही अपने अपने रेल बोगी में चढ़ पाएंगे यात्री। दिल्ली से डिब्रूगढ़, ये वो तमाम 15 जगहों की बात हम कर रहे हैं जहां पर इन ट्रेनों को रवाना किया जाएगा और वहां से राजधानी दिल्ली फिर वापसी होगी। दिल्ली से अगरतला, दिल्ली से पटना के लिए भी ट्रेन चलेगी, दिल्ली से बिलासपुर के लिए, और कल शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग भी शुरू होने जा रही है। आपको बता दें जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, एसी ट्रेनें ही अभी जिन्हें चलाने की इजाजत दी गई है। दिल्ली से रांची, दिल्ली से पटना भी जाएगी, रांची भी जाएगी, इसके अलावा दिल्ली से भुवनेश्वर, दिल्ली से सिकंदराबाद, दिल्ली से बेंगलुरु, चेन्नई, राजधानी दिल्ली से चेन्नई भी जा सकेंगे मुसाफिर, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, यानी कि 15 अलग अलग राज्यों की जो बड़ी जगह है, बड़े रेलवे स्टेशन है या फिर राजधानी है उनको आप यहां पर दिल्ली से मडगांव का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई भी जाएंगी ये ट्रेनें। दरअसल ये महत्वपूर्ण जानकारी आज निकलकर सामने आई है, दिल्ली से अहमदाबाद भी ट्रेवल कर पाएंगे यात्री, दिल्ली से जम्मू भी ट्रेन चलाई जाएगी। 15 अलग अलग जगहों पर ट्रेनें जाएंगी और फिर वहां से ट्रेनें यात्रियों को लेकर वापस राजधानी दिल्ली आएंगी। ये बड़ी जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। मिलन शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिलन, बहुत सारे नियम कायदे कानून भी निर्धारित किए गए हैं, यात्रियों को चेहरा ढकना बेहद अनिवार्य होगा, स्क्रीनिंग के जरिए ही उनको ट्रेन के भीतर जाने की इजाजत दी जाएगी। रेलवे के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, कोरोना काल में इन ट्रेनों को 15 जगहों पर यात्रियों को ले जाना और फिर वहां के यात्रियों को वापस दिल्ली ले आना। मिलन जी चित्रा, लेकिन इस वक्त इंडियन रेलवेज की यही कोशिश है कि जिंदगी को फिर पटरी पर लाया जाए और इसीलिए हर तरीके की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेनें चलेंगी इसके जो स्टॉपेजेस होंगे वो भी काफी कम किए जाएंगे। इसका मतलब अगर दिल्ली से एक ट्रेन पटना जा रही है तो वो हर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि रेलवेज ने ऑर्डर में जारी करके लिखा हुआ है कि सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक लोग ही इन ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। तो इसका मतलब हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पे थर्मल स्क्रीनिंग होगी, फेस कवर पहनना अनिवार्य है और हर तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स के लिए ये सिर्फ एसी कोचेस इस वक्त चला रहे हैं। चित्रा, मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि टिकट का प्राइस क्या होगा। तो फिलहाल रेलवे ने कहा है कि जो राजधानी ट्रेन की प्राइसिंग होती है उस पर टिकट के प्राइस बेस होंगे और ये डायनामिक फेयर होगा। इसका मतलब थोड़ा सा महंगी ये टिकट्स इस वक्त मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि शायद कम लोग सफर करें। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग अलाउड होगी, कोई भी रेलवे काउंटर बुकिंग का किसी भी स्टेशन पर खुला नहीं रहेगा, ये बंद रहेगा। और इससे रेलवे उम्मीद कर रहा है कि भगदड़ ना मचे रेलवे स्टेशन पर और ऐसे लोग ना पहुंच जाएं क्योंकि बुकिंग करवानी है, इसलिए सिर्फ जिनके पास कंफर्म टिकट होगा वही सफर कर पाएंगे रेलवेज में। और थर्मल स्क्रीनिंग में एसिम्प्टोमेटिक होना बहुत जरूरी है। जी मिलन, फिलहाल कुछ चीजों पे क्लैरिटी नहीं है चित्रा, जैसे खाना ट्रेन में दिया जाएगा या नहीं, पानी दिया जाएगा या नहीं, इस पर ज्यादा जानकारी हमें रेलवेज मुहैया कराएगी। लेकिन फिलहाल 15 ऐसे ट्रेन चलाए जाने की कोशिश की जा रही है और इनमें जो यात्री हैं वो सफर कर पाए, उसके लिए जो बुकिंग है वो 11 मई को 4 बजे ऑनलाइन खोल दी जाएगी। ठीक है, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी, बहुत अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है। लेकिन तीन सबसे बड़ी बात वो ये, एक तो रेलवे स्टेशन पर जाकर यात्री प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं लगाएं, इसकी इजाजत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग ही होगी और जिसका टिकट कन्फर्म होगा सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा एसी ट्रेनें होंगी, यानी कि टिकट जो है
वो महंगी होगी, ये अहम जानकारी इस वक्त दी गई है। फिलहाल 12 मई से ट्रेनें कहां कहां चलेंगी वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन नियम कौन से निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होगा यात्रियों को, उसके बारे में देखिए। वैध कंफर्म टिकट पर ही यात्रा कर सकेंगे यात्री, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सिर्फ ऑनलाइन ही मिल सकेंगे टिकट, यानी कि आपको प्लेटफॉर्म टिकट या फिर काउंटर से जाकर टिकट नहीं आप ले पाएंगे। यात्रियों का चेहरा ढकना अनिवार्य होगा। ट्रेन के खुलने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग करना अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि बिना स्क्रीनिंग के अंदर यानी कि ट्रेन के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है।